సందర్భాలలో చిన్న చిన్న అంశాల ప్రాతిపదికన ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు అప్పుడప్పుడు కాంగ్రెస్ మీద అలుగుతూ ఉంటారు मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान माइनॉरिटी लोग खासकर इमोशनल लोग हैं, छोटे छोटे चीजों पे भी नाराजगी दिखाने के लिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब जब जरूरत है तब तब हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है तेलंगाना राज्य में। मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में दो ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरी गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है, उनका कोशिश जारी है। उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा का मंत्री बनाए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर लायर इंजीनियर आईएएस आईपीएस जो बन रहा है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है। जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। इसीलिए आज के तारीख में इस देश में ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चियन ना सिख कोई भी हो, आज के तारीख में आईएएस आईपीएस अगर कुछ ऑफिसर बने, कुछ डॉक्टर बने, लायर बने, इनके पॉलिसी के वजह से। 11 साल उन एजुकेशन मिनिस्टर था नेहरू जी के साथ साथ खड़ा रहकर आजादी के लिए लड़ा है, एजुकेशन रिफॉर्म्स में उनके साथ में काम किया। पूरा दुनिया में आज के तारीख अपने नौजवान कोने कोने पे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने बोले तो मौलाना अबुल कलाम जी जो एजुकेशन पॉलिसी लाए इस देश में लागू किए, इसीलिए हम लोग डॉक्टर लायर इंजीनियर बने। ये कुछ लोग भूल जा रहे, कुछ लोगों को याद दिलाना है, याद रहे तो भी भूले जैसा कुछ काम करते रहते हैं। उन लोगों को याद दिलाने का जिम्मेदारी हमारे, हम मुसलमानों को कभी वोट के मिशन जैसा नहीं देखे, हमारे भाई जैसा देखे, हमारे बहनों के जैसा देखे, हमारे साथियों का जैसा देखे, इस देश के हिस्सेदारी के जैसा देखे। इस आजाद के लिए जो लड़ा, जो मरा, जो शहीद हुए हमारे भाई लोग, बहुत कुछ किए, इसीलिए हमारे परिवार में हिस्सेदार समझते हम लोग। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए तेलंगाना राज्य में भी आए। कर्नाटक से तेलंगाना मक्तल महबूब नगर से पदयात्रा शुरू किए, चार मीनार कने जहां पर हिंदू मुसलमान के लड़ाई कम्युनल वायलेंस में राजीव गांधी जी बड़े भाई हनुमंतराव जी के नेतृत्व में सद्भावना यात्रा जहां चार मीनार के सामने किया था, राहुल गांधी जी भी वहीं आके तिरंगा झंडा लहराया। ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान का दोनों को साथ लेकर चलने के लिए नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए मैं आया। इसीलिए चार मीनार पर मैं खड़ा रहकर मक्का मस्जिद के सामने ये ऐलान किया, हिंदू मुसलमान भाई भाई।
उनके बात देकर आप लोग हमें मदद दिए, सरकार बनाए। मगर एक बात